हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमेटिन। आप सोच रहे होंगे कि ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये इतना बेसिक टॉपिक है और इसमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते। तो वो डिफरेंस क्या है ये हम आज आपको बताते हैं। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिड समझने से पहले हमें क्रोमेटिन जानना होगा, तो आइए शुरू करते हैं। क्रोमेटिन जो है मेनली दो प्रोडक्ट से बनता है, पहला है डीएनए और दूसरा हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन केवल जेनेटिक मटेरियल में पाया जाता है। डीएनए की मेकिंग कैसे होती है ये हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन हल्की सी जानकारी यहाँ भी दे देते हैं। तो डीएनए मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है डीऑक्सी राइबोज सुगर, सेकंड फास्फोरिक एसिड H3PO4 और थर्ड नाइट्रोजिनस बेसिस। डीएनए में नाइट्रोजिनस बेसिस 4 टाइप्स होते हैं, आप सभी जानते होंगे ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। एडनिन डबल बॉन्ड से थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये एक बेसिक जो है कंपोजिशन है डीएनए का। इसी तरह आप हिस्टोन देखें, हिस्टोन प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल में पाए जाते हैं और ये 5 टाइप्स के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4, जिसमें से H1 प्रोटीन सबसे अलग होता है, इसका मेकिंग में कोई रोल नहीं है। जबकि H2A, H2B, H3 और H4 न्यूक्लियोसोम की मेकिंग करते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल में यानी कि क्रोमेटिन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आप देख ही रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक होते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एसिडिक होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि क्रोमेटिन का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। इसके आगे का डिफरेंस समझने के लिए हमें ये फिगर देखना होगा। इस एक फिगर से आपको सारी जानकारी क्लियर पता चल जाएगी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला फिगर आप देख रहे हैं जो कि डीएनए का बना हुआ है। डीएनए की मेकिंग कैसे होती है ये हमने अभी आपको बताया। तो डीएनए होता है 2 nm चौड़ा, यानी कि 20 एंगस्ट्रम चौड़ा। तो आगे चल करके डीएनए सिकुड़ता हुआ एक धागे जैसी संरचना बनाता है, वो धागा एक पैकिंग करता है, गोल सी पैकिंग करता है। वो पैकिंग क्या है? वो पैकिंग है न्यूक्लियोसोम की, ठीक है। न्यूक्लियोसोम की पैकिंग कैसे होती है तो आपको बताएं, आगे चल करके ये डीएनए लिंकर डीएनए कहलाएगा। लिंकर डीएनए क्यों? क्योंकि वो जोड़ रहा है।
किसको जोड़ रहा है? हिस्टोन प्रोटीन्स को। हिस्टोन प्रोटीन्स हमने अभी आपको बताया 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 4 प्रकार के प्रोटीन्स यानी H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों जो है दो दो की संख्या में, यानी कि कुल मिला के 8 हिस्टोन प्रोटीन्स एक घेरे में व्यवस्थित होते हैं और उनके चारों तरफ DNA की रैपिंग होती है, DNA उसको लपेट लेता है। तो ये जो गोल संरचना बनी इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोसोम कोर। और जब कई न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो बीच में जो धागा दिखाई दे रहा है आपको वो है लिंकर DNA। हिस्टोन प्रोटीन H1 कहा गया, तो H1 कई न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ करके कॉम्पैक्ट करता है, वो बाहर स्थित होता है। देखिए न्यूक्लियोसोम का जो चौड़ाई है वो है 10 nm, ये 2, ये 10। आगे चल करके ये न्यूक्लियोसोम भी और ज़्यादा कंडेंस्ड कंपैक्ट हो जाएगा और इसकी लगभग 3 लेयर, एक जैसी 3 लेयर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो इतने मोटे स्ट्रक्चर को सोलेनॉयड कहते हैं। सोलेनॉयड 30 nm चौड़ा होता है। आगे चल करके सोलेनॉयड क्वाइलिंग करता है, क्वाइलिंग एक दूसरे में लपेटता हुआ आगे बढ़ता है और एक धागे जैसी संरचना फिर से बननी शुरू होती है। ये धागे जब आप क्लियर देखेंगे तो पता चलेगा कि उस पे स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं, इसीलिए इस संरचना का नाम स्कैफोल्ड है। और जो प्रोटीन्स कुछ इस तरह से उठे हुए लगे रहते हैं उन्हें पफ कहा जाता है। तो जैसे ही सोलेनॉयड के आप आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो 300 nm हो जाती है, 300 nm हो जाती है। इसके बाद ये और ज़्यादा कंडेंस्ड होती है, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर आगे चल करके और ज़्यादा सिकुड़ करके क्रोमोसोम का निर्माण करता है। क्रोमोसोम के बारे में आप सभी जानते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सिर्फ उस टाइम पे दिखाई देता है जब सेल डिवीजन अपनी मेटाफेज स्टेज में होती है। एक बात और, क्रोमोसोम के डिस्कवरर हैं हॉफ मिस्टर 1848, जबकि क्रोमोसोम नाम दिया था W. वाल्डेयर ने 1888 में। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? क्रोमोस इक्वल टू कलर, सोमा इक्वल टू बॉडी, यानी कि कलर्ड बॉडी, रंगीन शरीर। क्रोमोसोम के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां भी आपको धागे जैसी संरचना दिखाई देगी जिसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। यही क्रोमोनिमेटा जब आप ओपन करेंगे तो फिर से आपको DNA जैसी संरचना मिलेगी। एक बात और, सभी जंतुओं में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड स्टेज में होता है, लेकिन जब मियोसिस होती है गैमीट फॉर्मेशन के समय तो वो हैप्लॉयड हो जाता है। अब देखिए क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड है 2n है, वो मनुष्य में कितना होता है? 46, यानी 23 पेयर्स। तो ये 23 पेयर्स आते कहाँ से हैं? जिसमें से 23 जो है फादर से और 23 मदर से आते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं और 23 पेयर्स क्रोमोसोम बन जाते हैं। जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन शब्द दिया था W. फ्लेमिंग ने 1879 में, जबकि क्रोमैटिन आपको बताएं दो प्रकार का होता है, यू क्रोमैटिन और हेटरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन हल्के रंग का होता है, आप पहचानेंगे कैसे? तो एक स्टेनिंग की जाती है, उसको कलर किया जाता है, तो स्टेनिंग करने के बाद जो हल्के रंग का हो वो यू क्रोमैटिन है, जो गाढ़े रंग का हो वो हेटरोक्रोमैटिन है। और एक बात, यू क्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है जबकि हेटरोक्रोमैटिन जेनेटिकली निष्क्रिय, मतलब इनर्ट होता है।
यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन टर्म दिया था इमिल हिट्ज ने 1928 में, और न्यूक्लियोसोम टर्म दिया था आउडिट ने 1975 में। अब आपको दो बातें क्लियर हो गई, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। एक चीज बची है, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या होता है? हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमेटिन, यानी कि एक क्रोमोसोम में चार आर्म्स होते हैं और दो क्रोमेटिड होते हैं। दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से एक पॉइंट से जुड़ते हैं, जिसे हम सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। यही वह स्थान है जहां पर काइनेटोकोर होता है और सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स इसी से जुड़ करके क्रोमोसोम को दोनों तरफ से खींचते हैं ताकि वो बीच से सेपरेट हो सके। इस टाइम पे क्रोमोसोम की जो चौड़ाई होती है वो 1400 nm होती है, जबकि उसका आधा यानी कि क्रोमेटिड की जो चौड़ाई होती है वो 700 nm होती। तो जब क्रोमोसोम को आधा किया जाएगा तो उसके एक पार्ट को क्रोमेटिड कहेंगे। एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ये थी जानकारी। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।